हेलो सुप्रभात बच्चों, जैसे कि आप लोग पिछले दिनों पढ़ रहे हैं, आपका पाठ संख्या 10 है अनुस्वार और चंद्रबिंदु की मात्रा। तो आपने अलग अलग करके पढ़ लिया अनुस्वार क्या है और चंद्रबिंदु क्या है। तो आज हम इसे फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। अनुस्वार और चंद्रबिंदु को एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर से दोहराते हैं और रिवाइज करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, अनुसार यानी कि अंक की मात्रा, उसके ऊपर उसका चिन्ह होता है, ऊपर में एक बिंदी। आपको मैंने पहले भी बताया है, ऊपर में एक बिंदी होता है। उन सभी शब्दों के ऊपर एक बिंदी दिया हो तो आप समझ सकते हैं यह अंक की मात्रा है, या अनुस्वार भी कहते हैं इसी, ठीक है। जैसे देखिए, शब्द पढ़ते हैं, संख, पंख, पतंग, घंटा, मंदिर, लंगूर। देखिए, ऊपर में दिया हुआ है बिंदी के रूप में, ठीक है। इससे पहले वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें मैंने आपको शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ना बताया है, एक साथ पढ़ना बताया है। तो आप पिछले सारी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। संग, दंग, हंस, डंडा, पथ, सत, लंगूर, संदूक, चंदन, नंदन, वंदन, तिरंगा, कुंदन, आनंद, सुगंध। तो बच्चों, इन सारे शब्दों को आप बार बार पढ़ेंगे और लिखेंगे तो आप आराम से इसे लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे, और सही सही उच्चारण करना भी सीख जाएंगे। पेज नंबर 58 और पेज नंबर 59 है, और यहाँ आपको कविता भी दिया हुआ है, तिरंगा झंडा। यह देखो भारत का झंडा, इसे हम कहते हैं तिरंगा। यह देखो भारत का झंडा, इसे हम कहते हैं तिरंगा। इसके तीनों रंग बताओ, नारंगी, केसरिया, हरा, बीच में सफेद भरा। इसके तीनों रंग बताओ, नारंगी, केसरिया, हरा, बीच में सफेद भरा। रंग सफेद शांति का साथी, रंग सफेद शांति का साथी, हरा कहे धरती है सोना। तो ये कविता भी आपको याद करना है, और प्रश्न अभ्यास है भी पूरा करना है, जैसा मैंने आपको पहले भी बनाया है कि अंक की मात्रा लगाना है शब्द के ऊपर। जैसे देखो, डैश द और दू और क था तो संदूक है ये, उसके बाद प और डैश और ग है तो पतंग, तो के ऊपर अनुस्वार लगाना है, झंडा है झ के ऊपर अनुस्वार लगाना है, और झ लिखना है तो बनेगा झंडा। सही शब्द भरकर वाक्य को पूरा कीजिए। इसे तिरंगा कहते हैं, यहाँ पे तिरंगा और डंडा का ऑप्शन दिया हुआ था। तो कविता में हमने क्या पढ़ा है, तिरंगा। यह हमारा डैश है, डंडा या झंडा, तो झंडा होगा। उसका डैश पेड़ पर बैठा है, कंकर या बंदर, बंदर पेड़ पर बैठेगा ना। सफेद रंग डैश का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। तो ये आपका अनुस्वार हो गया। अब हम लोग देखते हैं चंद्रबिंदु, जो कि पेज नंबर 61 में है, ठीक है। चंद्रबिंदु की मात्रा वाले शब्द और इससे जुड़े प्रश्न अभ्यास और कविता भी है। यहाँ देखिएगा, ये चंद्रबिंदु है। देखिए, चंद्रबिंदु का चिन्ह क्या है, आधा चांद में गोल बिंदु क्या है, इसीलिए इसे हम चंद्रबिंदु कहते हैं। और इसका उच्चारण हमेशा नाक और मुंह से भी किया जाता है, आवाज जो निकलती है वो नाक और मुंह के द्वारा भी निकाली जाती है। शब्दों को देखिए, चित्र देख कर शब्द को पढ़िए। आंख, यहाँ है चांद। गांव, देखिए सारे शब्द के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया गया है। गांव, ऊंट, मुंह, दांत, चांदनी, चिड़िया, महंगाई, तितलियां, लड़कियां, मिठाइयां, ये चंद्रबिंदु वाले शब्द हो गए। तो इसे भी आप नोटबुक में बार बार लिखिएगा और पढ़िएगा, तो सही से उच्चारण कीजिएगा। अब हम देखते हैं कविता, जो मैं चाहूं हो जाए वह, जो मैं चाहूं अगर कहीं चिड़िया बन जाऊं। हो जाए वह जो मैं चाहूं अगर कहीं चिड़िया बन जाऊं, आसमान में तेज हवा से दूर दूर तक उड़ जाऊं। घर आंगन की खाली धूप में दाना तिनका चुन कर लाऊं। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मैं
उछलू कूदू शोर मचाऊं। तो ये कविता आप अच्छे से याद कर लेंगे, कविता याद करेंगे तो इसमें भी प्रश्न अभ्यास है, उसे हम लोग पूरा करते हैं। आइए देखिए, चित्र के सही नाम पर सही का निशान लगाएं। जैसे यहाँ पे ये दांत का चित्र है, तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन है उसमें आपको टिक लगाना है, तो दांत सही ऑप्शन है, इसमें टिक लगाया आप लोगों ने। ये सूर्य का चित्र है, यहाँ पे भी तीन ऑप्शन दिया गया, जैसे गुर, मुंह और सूर, तो हम लोगों ने सूर में टिक लगाया। पूंछ है, देखिए मूंछ ऊंट पूंछ, तो पूंछ सही होगा, तो यहाँ आपको सही का निशान लगाना है। चित्र को देखकर वाक्य को पूरा कीजिए। ईद का डैश दिखा चांद, डैश बजा बांसुरी, उसका डैश मत बहा आंसू मत बहा। तीन में है शब्द में, शब्दों में चंद्र बिंदु लगाकर सही शब्द लिखे। तो यहाँ जो शब्द दिए हैं इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसके ऊपर सिर्फ चंद्र बिंदु लगाना है। देखिए जैसे ये पहला शब्द था पांच लिखा हुआ है, तो इस पे चंद्र बिंदु लगाएंगे तो पांच होगा, ठीक है। वैसे है कुआ, तो कुआ क के ऊपर भी चंद्र बिंदु लगाकर शब्द को सही बनाना है, कुआ। मांस है तो मौ के ऊपर भी चंद्र बिंदु लगाना है, माँ के ऊपर लगाना है तो मांस बनेगा। दांत है, दांत के ऊपर भी चंद्र बिंदु लगाया जाता है, दांत। यानी कि जो भी शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये शब्द सही बनेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये आपका पाठ संख्या 10 को अच्छे से अध्ययन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अनुस्वार और चंद्र बिंदु की मात्राओं को खूब अच्छे से पढ़ें, उससे दिए गए शब्दों को लिखें और प्रश्न अभ्यास भी पूरा करें, ठीक है बच्चों।